हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंस्टाग्राम हिंदी पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रीज के बारे में। तो आप लोग को, बहुत लोग को ऐसा लगता है जब आपका वीडियो नहीं चलता रील्स पे, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रीज हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रीज होने जैसा कुछ भी ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम अकाउंट डेड हो सकता है, लेकिन फ्रीज नहीं हो सकता, ठीक है? अब फ्रीज होने का कोई चांस ही नहीं है। देखिए, अगर आप, क्या नाम है, 1 महीने भी अगर पोस्ट नहीं डालोगे, 2 महीने भी कंटिन्यू अपने इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं डालोगे, 3 महीने भी नहीं डालोगे, अगर मान लो 5 महीने भी आप अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं डालते हो, फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 6 महीने बाद जब इंस्टाग्राम पोस्ट डालना शुरू करोगे और कंटिन्यू 1 महीना डाल दोगे, तो फिर से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट एक्टिव हो जाता है। अब कुछ फ्रीज नहीं होता है, बस इतना होता है कि अगर लंबे समय तक आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो या पोस्ट नहीं डालते हो, तो इससे ये होता है कि अकाउंट बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। जैसे कि आप नया अकाउंट खोलते हो ना, उसकी कोई रीच नहीं होती, एकदम अकाउंट जीरो से शुरू हो जाता है, फ्रीज नहीं होता है। ऐसा नहीं है इंस्टाग्राम आपका इंप्रेशन भेजना बंद कर देता है, या क्या नाम है, लोगों तक पहुंचाना बंद कर देता है आपका पोस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि वो जब लंबे समय तक आप वीडियो नहीं डालते या फोटो नहीं डालते, जैसे कि 5 महीना 6 महीना ज़्यादा हो जाए, 2-3 महीने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 4-5 महीना ज़्यादा हो गया आपने पोस्ट नहीं डाला है, तो बस ये होता है इंस्टाग्राम का अकाउंट जो आपका जीरो पे आ जाता है। जैसे आप नया अकाउंट खोलते हो ना, फ्रेश अकाउंट बनाते हो, तो उस तरह का हो जाता है, आपको जीरो से शुरू करना होता है। और बाकी इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रीज और कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मन का वहम है दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, एक मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट था, मैं आपको बताता हूं कि कैसे क्या हुआ। इस इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे मैंने 10 महीने तक कोई भी पोस्ट नहीं डाले थे। जी हाँ दोस्तों, 10 मंथ 10 मंथ मैंने उस इंस्टाग्राम पर कोई भी पोस्ट डाली ही नहीं थी दोस्तों। उसके बाद मैंने उस अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को मैंने अपना फैन पेज बना दिया। जी हाँ दोस्तों, कैटरीना कैफ का फैन पेज मैंने बना दिया उसको, और फिर मैं कंटिन्यू उसमें पोस्ट करने लगा। जी हाँ दोस्तों, 1 महीना मैंने कंटिन्यू पोस्ट किया, डेली 10 फोटो वाली पोस्ट और एक रील डालना शुरू कर दिया, और 1 महीने में वो इतना तेज से ग्रो हुआ कि आज उस इंस्टाग्राम पेज पर, यानी इस चैनल में मेरा ही अकाउंट था, वो जो मैंने फैन पेज बनाया कटरीना कैफ का ना, वो मेरा ही इंस्टाग्राम अकाउंट था। उसमें मैंने 10 महीने तक कोई पोस्ट नहीं डाली थी। उसके बाद मुझे विचार आया कि मैं इसको फैन पेज बदल देता हूँ, तो मैंने उसको फैन पेज बदल के और रोज 11 पोस्ट डाली, और देखिए 1 महीने में मेरा इतना तेज से अकाउंट ग्रो हुआ कि इस समय वो 22,000 फॉलोअर्स हैं उस इंस्टाग्राम फैन पेज पर। तो यार, फ्रीज व्रीज वाला ये सब छूटी बातें हैं, किसी का बात का विश्वास मत करिए। जो इंस्टाग्राम फ्रीज होता है, फ्रीज अकाउंट, ये सब वहम है, ये सब दिमाग का वहम है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। इंस्टाग्राम अकाउंट कभी भी फ्रीज नहीं होता है। बस ये है कि अगर जब लंबे समय तक पोस्ट नहीं डालते, तो वो आपका अकाउंट फिर से जीरो से शुरू हो जाता है। फिर जब लंबे समय बाद आप उस पर पोस्ट डालोगे, समझ लो कि आपने नया अकाउंट खोला है, आपको शुरू से ग्रो करना है। अकाउंट फ्रीज कभी नहीं होता। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।